राजस्थान में वर्तमान गहलोत सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के कई प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, और आपने कुछ दिनों पहले एक खबर जो हमारे द्वारा प्रसारित की गई थी कि सचिवालय के सूचना आयोग भवन के अंदर कुछ नकदी और कुछ सोना मिला है, उसी को लेकर आपको बता दें कि वर्तमान की गहलोत सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के जो वादे हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप है और भी ज्यादा बढ़ने लगे। इसी को लेकर आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रोहिता शर्मा ने जन समस्याएं सुनी, भ्रष्टाचार को लेकर लोगों को जागरूक किया, साथ ही उन्हें भ्रष्टाचार पूर्व मंत्री ने लोगों से जनसुनवाई की, सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पूर्व मंत्री रोहिता शर्मा ने लोगों की जनसुनवाई की, अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का विवरण भी दिया। राजस्थान भ्रष्टाचार पीड़ित है, लोगों के किसी भी जगह सुनवाई नहीं हो रही, सरकार केवल अपनी जेब भरने में लगी हुई है। पूर्व मंत्री ने बताया कि बांसुर विधानसभा में अवैध खनन जोरों से चल रहा है, माफिया द्वारा निसंकोच खनन किया जा रहा है, माफियाओं के ट्रैक्टर पर लाल चिप लगा दी जाती है, फिर प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पूर्व मंत्री ने कहा कि आजकल सरकार को चोर चुके कहने पर पाबंदी लगा दी है, कहा कि किस प्रकार बांसुर विधानसभा में सभी प्रकार के अवैध कार्यों के लिए सरकार द्वारा मंथली फिक्स की हुई है। रोहिता शर्मा ने बताया कि राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री पत्र के लिए वसुंधरा राजे की सिंधिया की जरूरत है। पोपाबाई का राज है, पोपाबाई का संविधान लागू है, कानून व्यवस्था यहाँ की टोटल चौपट हो गई है, कोई गरीब की सुनने वाला नहीं है। थानों से ऐसे डर लगता है जैसे अंग्रेजों की पुलिस से डर लगता था, ऐसे थानों में जाते ही असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तू मैं भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई बाहर से कोई क्लाइंट वहाँ थाने में रिपोर्ट दर्ज करने जाए तो वहाँ बैठने की जगह नहीं है, और इनके जो वहाँ पर पुलिस कर्मी है गाड़ी गलौज के साथ पेश आते हैं। नंबर दो, इन्होंने भू माफियाओं को खुली छूट दी है, और अपना जो अवैध खनन को टोटल वो दिए। मैंने तो ये भी सुना है कि कोई चिट जारी की हुई है जो ट्रैक्टर्स पर लाल लाल निशान है ताकि उसको कोई चेक ना कर सके, वो पुलिस वालों से मिले हुए उनके ट्रैक्टरों पर कोई निशान स्पेशल दिया हुआ है जिससे कि उसको चेक नहीं करते। और कोई भी आदमी अगर ट्रैक्टर भर के लाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है, दो दो तीन तीन लाख रुपया लेकर के, और जब छोड़ते हैं, और वरना तो ट्रैक्टर की नीलामी के डर से बेचारा किसान घबरा जाता है और इनको पैसे दे करके छुटाने की कोशिश करता है। और आप देखो पहाड़ के पहाड़ खाली कर दिए, अवैध खनन कोई आदमी कोई जांच करने वाला आए तो सही, मैं उनको दिखाऊंगा, पहाड़ के पहाड़ खा गए हैं अवैध खनन वाले। और अवैध खनन भी सबके लिए अलाउ नहीं है, जो इनका है, जो इनसे मिला हुआ है उन्हीं का अवैध खनन।